से मजीद अपडेट्स लेंगे। रेहान बताइएगा मजीद। अहम खबर आपको दे रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ स्ट्रीट मूवमेंट के लिए हिकमत अमली पर तहरीक इंसाफ का इजलास कल तलब किया गया है। 7 अगस्त से शुरू होने वाली तहरीक के हवाले से उमूर को इस इजलास में हतमी शक्ल दी जानी है। कल ये इजलास तलब किया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से। हुकूमत के खिलाफ स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने जा रही है तहरीक इंसाफ, इसी के लिए हिकमत अमली पर तहरीक इंसाफ का इजलास कल तलब किया गया है। 7 अगस्त से शुरू होने वाली इस तहरीक के हवाले से उमूर को हतमी शक्ल दी जाएगी। जिया तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इससे पहले ऐलान कर चुके हैं कि ये तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हुकूमत पानामा लीक्स की तहकीकात के हवाले से TORs पर मुत्तफिक नहीं हो जाती है। मजीद तफसीलात जानने के लिए नुमाइंदा वक्त न्यूज़ रेहान शेख से। रेहान आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कल 12 बजे के करीब बनीगाला में एक अहम मुशावरती इजलास तलब कर लिया है, जिसमें 7 अगस्त को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक चलाने चली है उसका बाज़ाब्ता लाए अमल तय किया जाएगा। अहम रहनुमा इसके अंदर शरीक होंगे, अहम बैठक लगेगी, तमाम इसमें फैसले किए जाएंगे। 7 अगस्त को जो पेशावर से रावलपिंडी तक जो मार्च आएगा इसके बाद क्या हिकमत अमली है, राय ने यह भी बताया है कि इसके बाद हफ्ते में एक शहर चूज किया जाएगा और उस शहर में रैलियां निकाली जाएंगी और प्रेस क्लब तक एहतमाम पजीर होंगी। क्या हिकमत अमली होगी इस हवाले से कल जो है हतमी जो है लाए अमल का ऐलान कर दिया जाएगा, रैलियां निकाली जाएंगी, इस हवाले से भी बातचीत की जाएगी कल के इजलास में। रेहान शेख, अपडेट्स के लिए शुक्रिया।